हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम इन्फिनिटिव्स को आगे पढ़ाने जा रहे हैं, और इससे पहले हमने इन्फिनिटिव्स के और भी पार्ट्स को पढ़ा रखे हैं जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जानेंगे कि आखिर में कितने तरीके से हम इन्फिनिटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन्फिनिटिव का यूज़ जो है पर्पस के लिए किया जाता है, इन ऑर्डर टू के लिए किया जाता है, या रीज़न के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, शी केम हियर टू वर्क, मतलब वह यहाँ आई काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वह यहाँ पे आई, वह यहाँ पे क्यों आई? अगर हम इसमें क्वेश्चन कर देते हैं, वाई डिड शी कम हियर, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं कि वह यहाँ पे क्यों आई, तो आंसर में आता है टू वर्क, काम करने के लिए। तो रीजन हो गया, कुछ कारण था जिससे कारण से यहाँ पे आई है, या इन ऑर्डर टू, कुछ उद्देश्य से यहाँ पे आई है। तो इस तरीके से इन्फिनिटिव जो है यहाँ पे इस तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो कभी ये शुरू में सब्जेक्ट बन जाते हैं, कभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, कभी ये नाउन, कभी एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन या एडवर्ब के रूप में फंक्शन करने लगते हैं। तो चलिए आगे इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आखिर में इन्फिनिटिव जो है सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखते हैं, टू लर्न चाइनीज is not a child's play, ठीक है। To learn Chinese is not a child's play। यहां पे देख सकते हैं कि to learn जो यहां पर में लिखा हुआ है, ये क्या है? ये आपका infinitive है, ये subject की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और नाउन की तरह भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग है सीखना। टू लर्न का हिंदी मीनिंग क्या है? सीखना। ना आ गया, ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में यहां पे फंक्शन कर रहा है। तो कहते हैं कि चाइनीज सीखना जो है ये बच्चों का खेल नहीं है। टू लर्न चाइनीज इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इस सेंटेंस को हम घुमा के भी बना सकते हैं, जैसे इट लगा के भी बना सकते हैं। इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू लर्न चाइनीज, इट इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले टू लर्न चाइनीज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और भी सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, टू फाइंड फॉल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि टू फाइंड जो है यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आप समझेंगे कैसे सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो इज है, इज का ये सब्जेक्ट बन रहा है पूरा, टू फाइंड फॉल्ट, मतलब दोष निकालना। टू फाइंड फॉल्ट यहाँ पे है चाइनीज सीखना, तो यहाँ पर मैं भी क्या है? निकालना, लास्ट में ना है, लेकिन पूरा अगर बनाएंगे यहाँ तक तो दोष निकालना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो इज का जो है सब्जेक्ट है टू फाइंड है, और साथ में ये फॉल्ट भी, सारे मिलकर के सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दोष निकालना जो है वो आसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टू फाइंड जो है एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं, अब हम इसमें देखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेल हिम समथिंग, मतलब मैं उसे कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं कि बताना, टू टेल, बताना। तो यहां पे क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई वॉन्ट, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट क्या है? वर्ब है। और टू टेल क्या है? बताना जो है आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? तो बताना चाहता हूं। जैसे हम क्या होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं, तो देखिए निकालते हैं,
ही ईट्स अ मैंगो, तो इसमें कैसे ऑब्जेक्ट निकालते हैं? व्हाट डज ही ईट, अगर हम बनाएंगे तो व्हाट लगाएंगे, व्हाट डज ही ईट, तो आंसर में क्या आ रहा है? अ मैंगो, ऑब्जेक्ट आ गया आपका। इसी तरह से यहां पे हम ऊपर में ऑब्जेक्ट निकालते हैं, आई वॉन्ट टू टेल हिम, तो क्वेश्चन अगर करते हैं इसमें व्हाट से, व्हाट डू आई वॉन्ट, व्हाट डू आई वॉन्ट, तो आई वॉन्ट टू टेल, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये ऑब्जेक्ट निकल जा रहा है। नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ग्रुप यूज कर सकते हैं, किसके रूप में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो आखिर में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि आखिर में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, तो उसी को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई पर्पस was to ask something, ठीक है, मेरा उद्देश्य था, my purpose यहां पर क्या है? subject है, ठीक है, क्या यहां पर में subject है, इसका verb है was, आपका verb है। अब इस subject के बारे में extra information दे रहा है और कह रहा है कि मेरा पर्पस क्या था, तो आस्क करना था, पूछना था कुछ या कुछ मांगना था, ठीक है, टू आस्क। तो यहाँ पे टू आस्क जो है ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हिज इंटेंशन was to help him, मतलब उसका जो उद्देश्य था वो था उनकी मदद करने का, या उनका उद्देश्य उनकी मदद करने का था, उनका इरादा उनकी मदद करने का था। तो यहाँ पे to help जो है वो SC है, मतलब यहाँ पे SC का मतलब subordinate clause मत समझना आप, subject compliments, ठीक है, क्या है? subject compliments है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्फिनिटिव आपका यहां पर में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ में है आपका ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। आपको पता है मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था कि व्हेन अ वर्ड क्वालिफाइज ए नॉन एंड प्रोनाउन देन इट इज नोन एज एडजेक्टिव। Though I will explain this chapter in parts of the speech when we will start teaching adjectives chapter separately. तो जब हम अलग से आपको adjective chapter को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे infinitive adjective की तरह काम करते हैं, देखिए। I told him to bring a banana. I told him to bring a banana. मतलब मैंने उनसे कहा कि एक बैनाना लाने के लिए। यहाँ पे I सब्जेक्ट है, told क्या है? आपका वर्ब है, him क्या है? आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, आपको पता है सेंटेंस में, ठीक है, और to bring है, यहाँ पे infinitive है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि him क्या है? आपका प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है to bring, तो जब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो एज एन एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ पे टू ब्रिंग क्या है? एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और लिख लेते हैं, शी एडवाइज्ड मी टू लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर के बाद कुछ भी लगा सकते हैं, लुक आफ्टर हिम हर एटसेट्रा, ठीक है। हालांकि
यहाँ पर मैं लुक आफ्टर एक फ्रेज की तरफ भी आप कह सकते हैं देखभाल करने के सेंस में, तो उसने मुझे सलाह दी देखभाल करने के लिए। तो यहाँ भी वही चीज़ है, शी क्या है सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी क्या है प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आपको पता है आई सब्जेक्टिव होते हैं और मी आई का जो है मी होते हैं। और टू लुक है यहाँ पर इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, इन्फिनिटिव तो है लेकिन एज एन एडजेक्टिव को फंक्शन कर रहा है बिकॉज ये मी को क्वालिफाई कर रहा है, और मी क्या है आपको प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स की तरफ फंक्शन करते हैं इन्फिनिटिव, तो वो भी देख लेते हैं। एडवर्ब आपको पता है किसे कहते हैं, जो वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसी को एडवर्ब्स कहा जाता है, जैसे क्रिया विशेषण हिंदी में कहते हैं। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, आई शुड वर्क टू हेल्प, मतलब मुझे मदद करने के लिए काम करनी चाहिए, मुझे मदद करने के लिए काम करनी चाहिए, ठीक है। आई शुड वर्क टू हेल्प, इसमें हिम भी लगा सकते हैं टू हेल्प हिम, ठीक है। तो आई शुड वर्क, तो यहाँ पे वर्क क्या है आपका, देखिए आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, शुड क्या है मॉडल वर्ब, और वर्क क्या है, वर्क आपका यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे वर्क जो है वर्ब तो है लेकिन ये भी एक तरह का इन्फिनिटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनिटिव है, विदाउट टू है। अब इसको ये क्वालिफाई कर रहा है टू हेल्प यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब है, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और क्वालिफाई कर रहा है तो निश्चित है जब वर्ब को हम क्वालिफाई करते हैं तो क्या होते हैं, जिस जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टू हेल्प क्या है, एज एन यहाँ पे एडवर्ब्स काम कर रहा है। और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्पीक टू प्रोग्रेस, हम जो है प्रोग्रेस करने के लिए बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक टू प्रोग्रेस। यहां देख सकते हैं वी आपका सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है जो कैपेसिटी को शो करता है, स्पीक क्या है आपका मेन वर्ब है, लेकिन ये भी एक इन्फिनिटिव है लेकिन विदाउट टू वाला है, बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि आपको पता है मॉडल वर्ब के बाद क्या होते हैं, वो बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है जिसमें टू नहीं होते। इसको क्वालिफाई कर रहा है टू प्रोग्रेस, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से क्वालिफाई हो रहा है। तो इस तरीके से बन जा रहा है यहाँ पे एडवर्ब्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस जो हमने पार्ट ऑफ वीडियो में बताया आपको कि फाइव वेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन्फिनिटिव को, फर्स्ट वी स्टडीड और न्यू हाउ टू यूज़ इट एज ए सब्जेक्ट, देन वी न्यू हाउ टू यूज़ इट एज एन ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर वी केम टू नो अबाउट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, देन एडजेक्टिव्स एंड एट लास्ट एडवर्ब्स। तो फाइव वेज जो है हम पांच तरीके से जो है इन्फिनिटिव्स को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू विल बी लर्निंग हाउ टू मेक एक्टिव और पैसिव इन्फिनिटिव्स, और एट फर्स्ट यू विल नो द सिंपल इन्फिनिटिव एंड परफेक्ट इन्फिनिटिव, देन यू विल ऑल्सो नो हाउ टू चेंज सिंपल इन्फिनिटिव टू परफेक्ट इन्फिनिटिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ मेकिंग अदर पार्ट्स ऑफ द वीडियोज़। बाय देन टेक केयर ऑफ योर।